कीबोर्ड में टैब की में दो एरो का सिंबल बना होता है, उसका यूज क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टैब की के सिंबल एरो के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टैब की का यूज जानने के लिए सबसे पहले एक्सेल ओपन करते हैं। टैब की का जब यूज करते हैं तब कर्सर नेक्स्ट कॉलम में जाता है, इस तरह से। अगर इसी कर्सर को टैब को पीछे लाना है बैक, तो शिफ्ट के साथ हम लोग टैब बटन को यूज करते हैं। शिफ्ट के साथ टैब बटन को यूज कीजिएगा तो आपका कर्सर या टैब पीछे की ओर आएगा। इसी तरह से जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम होता है, अगर आप फर्स्ट नेम से लास्ट नेम में जाते हैं और आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक हो रहा है और आपको वापस उसी जगह पर आना है फर्स्ट नेम पर, तब आप शिफ्ट के साथ टैब बटन यूज़ कीजिएगा तो आपका कर्सर या टैब पीछे आ जाएगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल चूज योरसेल्फ के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।